हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा है, अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खास टॉपिक डिस्कस करने वाले, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बारिश अगर आने वाली है, तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो इसकी खबर हम लोगों को पहले ही लग जाती है। तो ये सारी खबर कौन हमें पहुंचाता है, किस तरीके से पहुंचाया जाता है, इसका एक हम लोग छोटा सा ब्रीफ केस देखेंगे। हम लोग छोटा सा एक हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सारे चीज़ें पॉसिबल किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मेट्रोलॉजी। अब ये मेट्रोलॉजी जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली डील करते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस से, वेदर चेंजेस से, और बहुत सारे जो भी क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के पैरामीटर होता है उसको स्टडी किया जाता है, और वो स्टडी को बाद में पब्लिक को फोरकास्ट किया जाता है, बताया जाता है, सो दैट पब्लिक जो है, सो दैट लिविंग थिंग्स जो हैं, वो अपने फ्यूचर के काम का एक, हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट, एक तरीका बना ले कि इस तरीके से हमें काम करना है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट एंड वेदर। जैसे कि अगर मैं एक फार्मर हूँ तो मुझे पता रहना चाहिए कि बारिश इस साल होगी या नहीं होगी। अगर बारिश होगी तो मुझे इस तरीके का क्रॉप उगाना है, अगर बारिश नहीं होगी तो मुझे इस तरीके की फसल लगाना है। तो अगर मुझे ये पहले ही पता चल जाएगा तो मैं वो काम के लिए रेडी पहले से ही हो जाऊंगा, है ना। इसके लिए सारे कंट्री ने एक संस्था बनाई है जो मेट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कस करता है। इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये मेट्रोलॉजी क्या है? ओके, नाउ सी द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि एयर के कंडीशन को, क्लाइमेट के कंडीशन को, वेदर के कंडीशन को, अर्थ में चल रहे हलचल को, या तो हम बोल सकते हैं जो अर्थ में एनवायरनमेंट में साइकिल चलते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, जो भी साइकिल चलते हैं, वो साइकिल के इंटर रिलेशन, क्या इनके बीच में रिलेशन है, ये सारे चीज़ को स्टडी करती है, वैसी ब्रांच को हम लोग मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो मेट्रोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर मेट्रोलॉजी से हम लोगों को सारे रिलेशन पता चल जाएंगे तो हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारा मौसम किस तरीके का होने वाला है, हमारा वेदर किस तरीके का होने वाला है, इससे हमारे पास क्या प्रॉफिट, क्या लॉसेस होंगे, ये हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, हम लोग स्टॉर्म्स की भी स्टडी करते हैं, कभी तूफान आने वाला है, कब आंधी आने वाला है, क्लाउड्स की स्टडी कर सकते हैं, रेनफॉल की स्टडी कर सकते हैं, थंडर, बिजली, ये लाइटनिंग की स्टडी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर वेदर फोरकास्ट आर मेड। तो जो संस्था है मेट्रोलॉजी की, वो लोग ये स्टडी करते हैं, स्टडी करके उन लोग एक अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान जो होता है बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे करेक्ट ही होता है, और वो पब्लिक को बता दिया जाता है, फोरकास्ट कर दिया जाता है कि इस तरीके का आने वाला जो वेदर है वो रहने वाला, आने वाला जो क्लाइमेट है वो रहने वाला है, और आप लोग उसी हिसाब से अपने चीज़ों की तैयारी कर लो। ओके, जस्ट सी दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशरीज, एविएशन सर्विस, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ज़रूरी नहीं सिर्फ पब्लिक के काम की चीज़ है, वो अलग अलग जो संस्थाएं जो अलग अलग काम कर रहे हैं उन लोगों के काम का भी, जैसे यहाँ पे हमें बताया गया जो फार्मर्स हैं, फिशरीज हैं, एविएशन सिस्टम है, जो हवाई जहाज़ वाला सिस्टम होता है उनको भी पता रहता है कि क्या वेदर होने वाला है, वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, बहुत सारे संस्था को ये चीज़ की ज़रूरत होती है सो दैट वो संस्था बहुत अच्छे से काम कर सके, इसके लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन आर एनालाइज विथ रेफरेंस टू द प्लस पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, वी कैन प्रेडिक्ट द क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर। अगर आज का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है ये मुझे पता है, पिछले 100 सालों में, पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में क्लाइमेट की कंडीशन क्या थी, अगर ये मुझे पता चल गया, इनके बीच का रिलेशन पता चल गया, तो हम फ्यूचर के क्लाइमेटिक कंडीशन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यही हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, आज का वेदर का कंडीशन क्या है, आज के क्लाइमेट का कंडीशन क्या है, और पिछले बीते सालों के क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, ये सारे चीज़ों के बीच में रिलेशन ढूंढा जाता है और उससे प्रेडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर का जो आने वाला क्लाइमेट है, आने वाला वेदर है, आने वाला कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस है, वो क्या होगा, इस बेस पे डिसाइड किया जाता है। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन, दिस डिपार्टमेंट हैव ऑब्जर्वेटरी विच आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो है हमारे वर्ल्ड में
उन्होंने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना के रखा है, संस्था बना के रखा है, सो दैट उन लोग के कंट्री में सारे जो संस्था है अलग अलग जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होते हैं वो सारे अच्छे से रन कर सके थे, इसके लिए सारे कंट्री ने बना के रखा है। और उनके पास बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज है, लेबोरेटरीज है, जहाँ पे अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस पूरे सिस्टम वहाँ पे बिठाए गए, जिसकी मदद से एक एक्यूरेट परफेक्ट मेजरमेंट परफेक्ट अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्था है उसको डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की संस्था की डिस्कस बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, तो देखो पहला जो संस्था है इंस्टीट्यूट एट वर्क जो मेट्रोलॉजी के ऊपर स्टडी करता है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड के लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, जिसको हम लोग ने जिसकी स्थापना कब की थी, देखो 23 मार्च 1950 द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश बाय UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। शांति जब हम लोगों को बहुत ज़रूरी था तब UN की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उन्होंने अलग अलग हम बोल सकते हैं संस्था बनाई, जिसमें से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक संस्था थी जिसे 23 मार्च 1950 को ढूंढा गया था। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी। हम लोग का जो फूड है, किस कंट्री में कभी सूखा पड़ सकता है, फूड की कमी हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। फूड सिक्योरिटी पे भी काम करते हैं, वाटर मैनेजमेंट पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे, और बहुत सारे चीज़ों पे काम करते हैं। वैसे हमारे इंडिया की भी एक संस्था है जो मेट्रोलॉजी से डील करती है और उसे हम बोलते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में भी एक अच्छा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम के बारे में जानकारी देता है, जिसको हम मौसम विभाग भी कहते हैं, और इनका प्रेडिक्शन मैक्सिमम टाइम पे सही होता है बिकॉज इनके पास सारे टेक्निक्स होते हैं, और ये टेक्निक की मदद से इन लोग जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, जो भी अनुमान लगाते हैं, वो बेसिकली 99% या 90-99% के रेंज में सही साबित होता है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 शिमला। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली इंडियन ने नहीं फाइंड किया था, ये ब्रिटिश वालों लोगों ने यहाँ पे स्थापित करके किया था शिमला में 1875 में इसको स्थापित करके गए थे। इट्स हेड ऑफिस इज एट न्यू दिल्ली एंड इट्स रीजनल ऑफिसेज आर एट डिफरेंट लोकेशन। इसका मेन ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, जो कि हमारी राजधानी है, और इसके छोटे छोटे सब ब्रांचेस है जहाँ पे स्टडीज़ की जाती है, वो ब्रांचेस है गुवाहाटी में, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, न्यू दिल्ली, एज वेल एज पुणे में भी है। तो ये सारे संस्थाएं छोटे छोटे जो मौसम के ऊपर काम करते हैं। मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रिडिक्शन अबाउट द वेदर, सच मैप आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड वाइज इन एवरी 24 आवर्स। तो बेस्ड ऑन दी पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन, तो ये जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्रेजेंट क्या कंडीशन है, पास्ट क्या कंडीशन है, इसके बेस पे इन लोग क्या करते हैं, रोज़ का डेटा तैयार करते हैं और एक दिन में 24 घंटे में दो बार मौसम की जानकारी फोरकास्ट करते हैं पब्लिक के लिए, अदर संस्था के लिए इन लोग फोरकास्ट करते हैं। इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लाइमेटिक रीडिंग्स, क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर्स है, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, विंड स्पीड, ये सारे पैरामीटर की स्टडी करते हैं उन लोग। उसके बाद प्रेडिक्शन अबाउट क्लाइमेट के प्रेडिक्शन की स्टडी करते हैं रडार से, प्रेडिक्शन अबाउट क्लाइमेटिक रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी, अर्थ के अंदर जो हलचल चल रहा है उसकी स्टडी की जाती है, प्रेडिक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल बाय सैटेलाइट एयर पोल्यूशन, रेनफॉल की स्टडी की जाती है, ये सारे प्रेडिक्शन करते हैं और इसको फोरकास्ट किया जाता है। ये कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट करता है कि आज का जो मौसम है वो क्या रहने वाला है, कौन से एरिया में कितना तापमान रहने वाला है, टेम्परेचर रहने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, क्लाउड कैसा रहने वाला है, ये सारे प्रेडिक्शन इन लोग करते हैं और एक दिन में ये दो बार फोरकास्ट किया जाता है। ओके, देन प्रेडिक्शन रिगार्डिंग कैलामिटीज़ की भी प्रेडिक्शन की जाती है कि कौन से आपदाएं आने वाले, लाइक डस्ट स्टॉर्म्स है, आंधी आने वाला है, सैंड स्टॉर्म्स है, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामी एक्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ मास मीडिया। ये सारे चीज़ की अनुमान लगाया जाता है, प्रेडिक्शन करके सारे संस्था को बता दिया जाता है कि सब अलर्ट हो जाना है, आपदा आ सकता है कभी भी, आपदा के अंदर ये लॉसेस हो सकते हैं, इसके लिए आप रेडी हो जाओ। तो ये सब हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करके बता देते हैं, जिसकी वजह से जो लॉसेस है वो कम हो जाते हैं। ओके, फॉर दिस पर्पस इंडिया हैज लॉन्च सेवरल सैटेलाइट इक्विप्ड हाई क्लास टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरीज एट सेवरल लोकेशन आर डन एक्सीलेंट वर्क इन द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द सैटेलाइट।
तो इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं जो कि नए नए टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि हम लोगों को रीजन के बारे में, रीजन के मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लगातार देते रहते हो। और ये जो IMD है एक अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, जो कि हम पब्लिक को, अलग अलग संस्था को ये फोरकास्ट करके हम लोग को अलर्ट कर देती है, सो दैट अगर कोई भी बेनिफिट या कोई भी लॉस है तो उसका हम अच्छी तरीके से अनुमान और उसके लिए हम अच्छी तरीके से रेडी हो सकते हैं। तो अगेन IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, ये हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और एक ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये किस बेस पे अनुमान लगाता है? तो इनके पास बहुत सारे मॉडल्स है अनुमान लगाने के लिए, वो मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आई होप कि सब लोगों को ये बात समझ में आ चुका है। अब हम लोग वो मॉडल्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, वो मॉडल्स क्या है, ठीक है? देखो, मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन, बेसिकली मॉडल मॉनसून के लिए बनाया गया है, रेनी सीजन के लिए बनाया गया है, उसको छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मॉनसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 ईयर। तो हमारे इंडिया में ये परंपरा 100 सालों से चली आ रही है कि हम लोग मॉनसून के बारे में प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि ये महीने से ये महीने तक मॉनसून रहेगा, रेनफॉल रहेगा, 100 सालों से चली आ रही है। ओके, आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, HF ब्लैनफोर्ड द फाउंडर ऑफ IMD हैज मेड सच ए प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, टेकिंग द स्नोफॉल इन द हिमालयस ए पैरामीटर ऑफ दिस प्रेडिक्शन। अब देखो क्या हुआ, इंडिया में एक बार 1877 में सूखा पड़ा हुआ था, जो पास्ट में देखा गया था, ये जो ब्रिटिश के फाउंडर है जो IMD के, HF ब्लैनफोर्ड, इन्होंने पास्ट में देखा कि अरे 1877 में एक बार फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था इंडिया में, इस बेस पे उन्होंने हिमालय में जो स्नोफॉल है उसका प्रेडिक्शन कर दिया, मतलब, और वो सही साबित हुआ। इसका मतलब क्या है कि पास्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन, पास्ट बीता हुआ क्लाइमेटिक कंडीशन, बीता हुआ अलग अलग हम बोल सकते हैं मौसम का जो कंडीशन है, वो तय कर सकता है कि आने वाला कंडीशन कैसे रहने वाला है। ये किसने बता दिया? HF ब्लैनफोर्ड। देखो यही चीज़ लिखा गया है, आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877 के बाद इन्होंने क्या किया, हैड मेड सच प्रेडिक्शन, एक प्रेडिक्शन लगाया फॉर द फर्स्ट टाइम, टेकिंग द स्नोफॉल इन द हिमालय एज द पैरामीटर फॉर दिस प्रेडिक्शन, राइट? उन्होंने स्नोफॉल का प्रेडिक्शन लगाया। फिर इन द डिकेड ऑफ 1930s, जब 1930 का समय है, देन द डायरेक्टर जो थे उस टाइम पे IMD के, सर गिलबर्ट वॉकर, हैड अंडरलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वर्ल्ड वाइड कैलामिटीज फैक्टर एंड द इंडियन मॉनसून, एंड बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू दिस रिलेशन, ही पुट फोर्थ ए हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मॉनसून। अब देखो, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, इन्होंने पूरे कंट्री का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता था उसके बेस पे और इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था उनके बीच में रिलेशन डेवलप किया कि क्या रिलेशन है, जब वहाँ पे गर्मी होता है तो इंडिया में ये वाला मौसम, वहाँ पे ये होता है तो इंडिया में ये, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर को उन्होंने समझा, सोचा, स्टडी किया और रिलेशन डेवलप किया। और ये रिलेशन डेवलप करने के बाद उन्होंने एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक मॉडल तैयार किया और उन्होंने बोला इस मॉडल से हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो क्या होगा। तो उन्होंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया और वो रिलेशन एक मॉडल पे काम करता, वो मॉडल हम लोग को पेश किया उन्होंने। ओके, विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर इन द डिकेड ऑफ 90s, ए मॉनसून मॉडल बेस्ड अपॉन 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर वॉज डेवलप, दिस मॉडल वॉज इन यूज फ्रॉम 1990 to 2002। अब 1990 में एक नए साइंटिस्ट जो थे IMD में काम करते थे, वसंतराव गोवारीकर, इन्होंने अगेन 16 कंट्री के क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे एक मॉडल तैयार किया मॉनसून के लिए, जो मॉडल काम करता था, परफेक्ट प्रेडिक्शन देता था। ये 2002 तक चला, उसके बाद नए नए टेक्नोलॉजीज आए, नए नए मॉडल आए और इस मॉडल को हम लोग यूज़ करते। अब हम ये मॉडल की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल, डायनामिक मॉडल। तो ये मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है, बेसिकली एस्टैब्लिश करते, रिलेशन एस्टैब्लिश करते, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट के जो फैक्टर उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ और डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, कुछ टाइम ले रहा हूँ और डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, है ना? तो मैं आपको बोल दूंगा कि डिस्टेंस को एक्स बोला जाता है, टाइम को टी बोला जाता है। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस और टाइम दे दूँ तो आप मेरा स्पीड निकाल सकते हो कि मैं अगर इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया तो आप स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने आपको दो पैरामीटर दिया, दो फिजिकल क्वांटिटी दिया, डिस्टेंस और टाइम, उसके बेस पे आपने स्पीड निकाल लिया। वैसे ही
ये जो मैथमेटिकल मॉडल होता है उसमें हम लोग सारे चीज़ों की रिलेशन सीख के मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या वैल्यू होने वाली, कितना बरसात होने वाला है, कितना स्टॉर्म की स्पीड होने वाली। तो इसके लिए हम सारे पैरामीटर्स को, जितने भी सीजन के पैरामीटर हैं, क्लाइमेट के पैरामीटर हैं, सबकी स्टडी करके एक इक्वेशन बनाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट्स ऑफ करंट वेदर रिलेटेड सर्विसेज सिस्टम्स, अभी जो प्रेजेंट में कंडीशन चल रहा है, एंड फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या रिलेशन, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है मैथमेटिक्स के फॉर्म में, फॉर्मूला बनाया जाता है। डेटा अबाउट करंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स मैथमेटिकली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ परम सुपर कंप्यूटर। देखो हम लोग ने परम कंप्यूटर के बारे में सीखा था, तो परम कंप्यूटर को ये इक्वेशन बताया जाता है, सारे डेटा फिट किए जाते हैं और वो हम लोग को रिजल्ट दे देता है कि इतनी बारिश होने वाली, ये वाले एरिया में इतनी तेज गति से हवा चलेगा, इतना टेम्परेचर है, सारे फटाफट प्रेडिक्ट कर देता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल हो गया। वेरियस मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अपॉन डेली ज्योग्राफिक इवेंट आर डेवलप्ड बाय सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, से बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल है। तो ये एक तरीके का टेक्निक हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है हॉलिस्टिक मॉडल। अब हॉलिस्टिक मॉडल में क्या होता है, बहुत सारे मॉडल को कंबाइन किया जाता है, जैसे मैथमेटिकल मॉडल हो गया, कुछ और मॉडल होगा, कुछ और मॉडल, इससे रिजल्ट लिया, इस मॉडल से रिजल्ट लिया, मैथमेटिकल मॉडल से रिजल्ट लिया, और सारे मॉडल से जो रिजल्ट आया उसको एक वापस से नए फॉर्मूले में पुट करके नया रिजल्ट बना। इस मेथड को बोलते हैं हॉलिस्टिक मॉडल। तो ये हॉलिस्टिक मॉडल बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ओके, इन दिस मॉडल प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज्ड इन अदर मॉडल। देखो अदर मॉडल से पूरा पैरामीटर उठाया जाता है, वैल्यूज उठाया जाता है, और फिर उसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मॉनसून। क्लियर? तो बहुत सारे इस मॉडल से मैंने प्रेडिक्शन निकाला, इस मॉडल से मैंने अनुमान लगाया, इस मॉडल से अनुमान लगाया, फिर इस मॉडल से अनुमान जो मिलेगा वो हम लोगों का परफेक्ट अनुमान मिलता है। इस तरीके से हॉलिस्टिक मॉडल काम करता है। इसके मैथमेटिक्स में हमें नहीं जाना है, वो हायर स्टडीज़ है, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन आएंगे, आप पागल हो जाओगे। Nowadays, prediction declared by AMD are the collective outcome of various model. This is called as holistic model. तो बहुत सारे मॉडल का कलेक्शन जो होता है उसको ही हॉलिस्टिक मॉडल बोलते हैं। और अब नव लास्ट जो मैथड है वो स्टैटिस्टिकल मैथड है। ये बेसिकली फार्मूला पे बेस्ड होता है, फार्मूला होता है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो फार्मूला दिया जाता है, वैल्यूज को निकाला जाता है, क्लाइमेट में तेज कितनी हवा कितनी तेजी से चल रही है, टेम्परेचर क्या है, एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग आंसर निकालते हैं। इन दिस मॉडल करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन इन ए रीजन आर कंपेयर्ड विद द अर्लियर पैरामीटर सच एज ओशनिक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड द नेचर ऑफ द मॉनसून रेनफॉल ऑफ सेवरल ईयर्स। तो इसमें क्या करते हैं, पिछला करंट सारे डेटा निकाल के इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं और उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है, मतलब आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ और नहीं करना, ये मॉडल है, सारे मॉडल से डेटा आने के बाद कैलकुलेशन करना, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बोलते हैं। दिस डेटा इज कंपेरेटिवली एनालाइज बाय स्टैटिस्टिकल मैथड। स्टैटिस्टिकल मैथड मतलब वही जो आप लोगों ने पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा हो तो पढ़ोगे, मीन मोड ये जो होता है इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं, डेटा प्रेडिक्ट करते हैं। ये बेसिकली मॉनसून के काम में आता है। ओके, सो दिस वेयर दी सम मॉडल्स, इस तरीके से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है, प्रेडिक्शन करते हैं और वेदर फोरकास्ट देते हैं, जिसकी वजह से हम अलर्ट हो जाते हैं कि इस तरीके का मौसम रहने वाला है। तो हम लोगों का जो काम है उसको किस तरीके से करना है, कौन सा काम करना है, कौन से काम को स्टॉप करना है, जिसकी वजह से नुकसान और जो फ़ायदा है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। तो इस तरीके से IMD जो है, या तो जो मौसम विभाग है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एक हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश का साथ में हमारा भी विकास हो रहा है। तो आई होप कि सब लोगों को इसके बारे में समझ में आ चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, नए नए कंसेप्ट को सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।